अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मामाज़ किचन। और आज मैं इसमें बना रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताते हैं। काली मिर्च 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, पिसी लाल मिर्च 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, लहसुन अदरक 1 टेबल स्पून, हरी मिर्च 6 से 8 अदद, दही 4 खाने की चम्मच, हरा धनिया आधी प्याली, घी आधी प्याली, पिसा हुआ जीरा 1 टीस्पून, चिकन 1 केजी, टमाटर 5 अदद। अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आधी प्याली हम घी डालेंगे। अगर आप चाहें तो टमाटर 3 से 4 भी डाल सकते हैं। इसको गरम करेंगे घी को, फिर इसमें लहसुन अदरक डालेंगे, इसको थोड़ा फ्राई करेंगे लहसुन अदरक को। आप चाहें तो ऑयल के साथ भी बना सकते हैं, मगर रेस्टोरेंट में घी से ही बनाते हैं कढ़ाई। इसका टेस्ट चेंज आता है घी से बनाने से। आप चाहें तो ऑयल से भी बना सकते हैं, ये आप बनाइएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। ये हमने चिकन डाल दी इसके अंदर, चिकन को थोड़ा फ्राई करेंगे। इसको तेज़ आंच पे बनाइएगा। अब इसमें टमाटर डाल दिए, मोटे मोटे काटिएगा ताकि हम इसको छिलका उतारेंगे इसका। अब दरमियानी आंच पे बनाइएगा आप इसको, ताकि चिकन का पानी भी खुश्क हो जाए और हमारा टमाटर भी नरम हो जाए। जब नरम हो जाएंगे तो हम इसका छिलका रिमूव कर देंगे टमाटरों का। ये हमारे नरम हो गए, अब हम इस सब टमाटरों के छिलके उतार देंगे। बहुत मज़े की बनेगी, एक डिफरेंट स्टाइल की बनेगी बिल्कुल कढ़ाई। सब टमाटर को छिलके से उतार देंगे हम लोग। ये हमारा तर गए छिलके, अब इसको थोड़ा फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसमें स्पाइसेस डालेंगे। हल्दी डालेंगे इसके अंदर, नमक डालेंगे, ये लाल मिर्चें पिसी हुई, कुटी हुई मिर्चें डालेंगे, कुटा हुआ धनिया डालेंगे इसके बाद इसके अंदर। इसको मिक्स करेंगे। हरी मिर्च डाल दी, ये हरी मिर्च डाल दी हमने। अब इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि अभी चिकन में पानी है, ये टमाटरों का पानी सारा। इसको चलाइएगा ताकि हमारे टमाटर और गल जाए। हमने पिसा हुआ जीरा डाल दिया इसके अंदर, काली मिर्च डालेंगे इसके अंदर। अब इसको भूनेंगे, दही डाल दी, 3 से 4 टेबल स्पून दही थी हमारे पास। दही का पानी खुश्क हो जाएगा तो ये हमारी रेसिपी तैयार हो जाएगी। अदरक डाल दी, हरी मिर्चें, ये हम इसको भून रहे हैं। ये हमारी तैयार हो गई कढ़ाई। पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया हमने इसके अंदर। अब हम इसको डिश आउट करेंगे।
ये आप कलर देख सकते हैं कढ़ाई का, बिल्कुल रेस्टोरेंट की जैसी बनी है। टेस्ट भी बिल्कुल वैसा होगा इसका, आप ट्राई करेगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।